ऑल राइट फीडबैक फैमिली। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। फर्स्टली मैं बता दूँ, आप समझ गए होंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि डिफेंस डिओक्सी आपको कैसे मिल सकता है पोकेमॉन गो में। एंड मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जो आप सोच रहे थे, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन भी कर रहे थे कि 1 जुलाई के बाद यहाँ पर, यानी कि बात करूँ जुलाई में कौन सा लेजेंडरी पोकेमॉन आएगा रेड्स में, क्योंकि 17 जुलाई से यहाँ पर गो फेस्ट है, लेकिन उससे पहले पहले आपको कुछ डिफरेंट लेजेंडरी पोकेमॉन्स और रेड्स में मिल सकते हैं, या फिर कहूँ तो एक ऐसा लेजेंडरी पोकेमॉन जुलाई की स्टार्टिंग से जुलाई 17 तक पोकेमॉन गो के अंदर रहे एंड आप उसको कैच कर पाएं। तो मैं बता दूं यहाँ पर डिफेंस डिओक्सी आपको मिल सकता है। आप ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, यूजफुल भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन अदर भी मिलेगी, एंड ऑल्सो आप ये भी समझ जाएंगे मैं ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ। आपको बता दूं नियंटिक ने ऐसा कुछ भी कन्फर्म नहीं करा है, लेकिन पॉकीमाइनर्स की तरफ से कल रात में 11 बजे के आसपास एक ट्वीट आया था, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर रात में मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो ट्वीट था वो था फ्रेंड्स डिओक्सी की जो डिफेंस फॉर्म है, मैं बता दूं यहाँ पर डिओक्सी के अलग अलग फॉर्म है, एंड आप जानते भी होंगे डिओक्सी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पर जो 2020 में डिओक्सी की नॉर्मल फॉर्म चाइनी वर्जन में वेरिएंट में देखने को मिल गई थी, आपके पास होगी भी बहुत सारे ट्रेनर्स के पास। एंड बात करूँ यहाँ पर डिफेंस डिओक्सी, अटैक डिओक्सी एंड स्पीड डिओक्सी, वो यहाँ पर रीड्स में आ चुके थे लेकिन शाइनी अवेलेबल नहीं थे, यानी कि डिफेंस डिओक्सी, अटैक डिओक्सी एंड स्पीड डिओक्सी। सो यहाँ पर फ्रेंड्स डिफेंस डिओक्सी की जो यहाँ पर कैच रेट है वो 6% से रिड्यूस करके पोकेमॉन गो ने 2% कर दिया। मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर कि 6% जो यहाँ पर कैच रेट होती है लेजेंडरी पोकेमॉन्स की, वो ईएक्स रीड्स की होती है। ईएक्स रीड्स में जो पोकेमॉन आया करते थे यहाँ पर पहले, और कुछ दिनों बाद, कुछ मंथ्स के बाद यहाँ पर फिर आने वाले हैं, जो अगेन आने वाली है ईएक्स रीड पोकेमॉन गो में, तो वहाँ पर आपको जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स देखने को मिलेंगे ईएक्स रीड्स में, उनकी कैच रेट होती है नॉर्मल, अगर आप कुछ नहीं करेंगे जस्ट पॉकीबॉल थ्रो करेंगे तब उनकी कैच रेट होती है 6% को। तो यहाँ पर पोकेमॉन गो ने डिफेंस डिओक्सी की जो कैच रेट है वो कम करी है 2%, एंड 2% जो कैच रेट होती है वो नॉर्मल जो 5-स्टार रेड बैटल्स के, 5-स्टार रीड्स के जो लेजेंडरी पोकेमॉन्स होते हैं उनकी कैच रेट यहाँ पर 2% होती है। एंड अगर आप यहाँ पर गोल्डन रास्पबेरी, एक्सीलेंट थ्रो ये सब चीज़ें करते हैं तो उनकी 25 तक यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है कैच रेट, एंड आप उसे कैच कर सकते हैं। म्यूटू की बात को, म्यूटू की यहाँ पर नॉर्मल वाली जो रीड्स होती हैं उनमें भी उसके 6% की कैच रेट होती है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन डिफेंस डिओक्सी की ये जो चीज़ करी है नियंटिक ने, जो चेंजेस करें, इस वजह से हमें समझ में आता है कि नेक्स्ट यहाँ पर रेड्स आने वाली है, या फिर कहूँ तो बहुत जल्द यहाँ पर रेड्स आने वाली है डिफेंस डिओक्सी, एंड इस बार वो शाइनी अवेलेबल होगा। मुझे तो पूरा लगता है यहाँ पर इस बार शाइनी अवेलेबल होगा। सो यस, ये था, आप समझ गए होंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वीबैक फैमिली को वीबैक की तरफ से बाय।